मैं भवानी और आप देख रहे है, है, हैं इस वक्त हम मौजूद है, 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 का है. दिसम्बर में जो है, है मरम्मत का काम पूरा हुआ था लेकिन जो है कॉन्क्रीटीकरण रोड का अगर आप देख सकते यहाँ पे पोस्टर भी जारी किए गए दो दो पोस्टर है एक नगर सेवक के ओर से जारी किया गया है और एक जो संविधान बचाओ संघ से जो जुड़े हुए शख्स है हमारे साथ मंसूर शेख उनके ओर से भी जारी किया गया है तो ये जो रोड का दुरुस्ती का कारण काम है वो हो चुका है लगभग काम की जो शुरुआत है वो लगभग शुरू हो गई है तो हमारे साथ जुड़े है संविधान बचाओ ट्रस्ट से मंसूर शेख आइए हम उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी प्रशासन की कामकाज को लेकर मैं मंसूर शेख संस्थापक संविधान बचाओ मंच का हम लोगों ने पूरी संविधान बचाओ मंच की टीम ने विशेषकर मैं मंसूर शेख और आदिल अंसारी भाई ने जो आप पीछे देख रहे हैं हम लोगों ने लगातार इसकी कंप्लेंट उठाई ये जो रोड है ये आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर 2020 में ये रोड बना था और कंक्रीट का रोड बना था तो नॉर्मल रोड नहीं बना था और कंक्रीट का रोड दिसंबर 2020 में बना 15-17 दिसंबर को तकरीबन कंप्लीट हुआ और 20 दिसंबर से इसके अंदर काफ़ी दरारें और काफ़ी मतलब इसके अंदर एकदम बुरी हालत में ये आना शुरू हो गया उसी वक्त हमने ऑन पेपर रिकॉर्ड में हमारे पास है कि अट्ठाईस दिसंबर दो को हम लोगों ने कंप्लेंट किया और तब से उसको फॉलो अप कर रहा है आर टी डाला जनवरी के अंदर आर आई का कोई जवाब एलवार्ड से नहीं मिला तो हमने उसके लिए अपील फाइल किया अपील के अंदर भी बताया मतलब तो उनको री अपील भी हमने बताया कि हमको आर टी के दीजिए कि आपने ये जो काम हुआ इतनी बुरी हालत का काम क्यों हुआ ये खैर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर जो है मरीज वाली एलवार्ड वाले उनका कहीं ना कहीं इसमें सहयोग मिला हमको कि बालाघिर जाकर एंड में मार्च के अंदर ये रोड के अंदर मार्च के अंदर हमारे को उसमें से कुछ ना कुछ सहूलत मिली और उन्होंने कहा कि रोड बनाया जाएगा दोबारा तोड़ के कि ये जो रोड की हालत जो हुई है ये रोड इतना बुरा क्यों हुआ इसकी जांच के लिए भी हमने उनसे कहा है और ये कहा है कि फौरी तौर पे रोड बना के लोगों को वापस से दिया जाए क्योंकि ये जो रोड बनता है जो बीएमसी जो रोड बनाती है मैं आपको बता दूं ये आपके हमारे टैक्स के पैसे से ही रोड बनता है जो लोग टैक्स भरते हैं जो हम खरीदारी करते हैं किताबें कॉपी खाने की चीज़ें पानी की बॉटल जो भी खरीदते हैं ये टैक्स के पैसे से ही सब रोड बनता है और ये हमारा हक है अगर कोई भी कहीं भी कोई समस्याएं होती है अगर कहीं पे कोई गटर का काम हो और सही से ना हो तो आप उसके खिलाफ उठिए कंप्लेंट कीजिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है तमाम लोगों के लिए कि एक आम आदमी भी अगर उठ के बी जाकर तरीके से फॉलोअप करे कंप्लेंट करे तो ये बदलाव हम लोग ला सकते हैं ये पहली बार करला में देखने मिला है हमने शिकायतें बहुत की हम लोग जाते हैं हम लोग शिकायत करते हैं हम लोग ये वहाँ पे बताते हैं कि सर देखिए ये ऐसा हो गया वैसा हो गया भी कई लोग करते हैं लेकिन उसके बाद उसको डिलीवर देना डिलीवरी कोई नहीं कर पाता ये पहली बार ऐसा हुआ है करला एल वार्ड में कि डिलीवर हुआ है इसमें हम तमाम अधिकारियों के भी तमाम अधिकारियों के भी हम लोग इसके अंदर शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया तमाम लोगों के भी शुक्रगुजार है और मैं लोगों से बस ये अपील एंड में करना चाहूँगा कि थोड़े दिन की असुविधा होगी आपको थोड़े दिन ये रोड पार्ट वाइज बनेगा वाटर क्यूरिंग होगी उसमें भी आप लोग सहयोग दीजिए जब पानी भरा होगा का काम होगा तो उसको ये इस चीज़ें नहीं हो उसके अंदर आप लोग आने आने का थोड़ा सा थोड़े दिन रुकिए एक बेहतर रोड आपको जरूर मिलेगा जी तो मंसूर जी आप मुझे ये बताना चाहिए बताना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया अधिकारियों से आपको आश्वासन मिला है तो ये रोड का जो कामकाज का शुरुआत हुआ है कितने दिनों में खत्म होगा आपको क्या लगता है उन्होंने क्या आश्वासन दिया है नहीं नहीं ये तो हफ्ते दस दिन में कामकाज खत्म हो जाएगा उसके बाद जो वाटर क्यूरिंग का जो प्रक्रिया होती है जो पानी डाल के छोड़ा जाता है उसको भी तकरीबन दस बारह दिन उसके लिए भी लगेंगे तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बीस एक दिन का काम है ये, ये अभी शनिवार को शुरू हुआ समझिए आज ही के दिन से शुरू हुआ है काम ये शनिवार के दिन शुरू हुआ है बीच में होली की दो दिन छुट्टी थी तो ज़्यादा काम नहीं हो पाया तो अभी स्पीड पकड़ेगा कल परसों से काम तो बहुत जल्दी ये बीस एक दिन में काम होना चाहिए और उसके बाद लोगों को करला वासियों को सही से रोड मतलब मिलेगा ये तरीके से रोड चालू हो जाएगा आपने जैसे बताया कि ये जो रोड है आप रहते हो यहीं पर तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये रोड की कैसी जर्जर अवस्था थी पहले और अभी जो है दुरुस्तीकरण का काम शुरू है तो इस शासन का जो प्रशासन का जो ये कदम उठाया गया इससे आप कितने सहमत हो नहीं इससे तो बहुत सहमत है लेकिन ये जो प्रशासन ने बीएमसी ऑफिसर लोग ने जो संविदाओं बचाओ मंच का जो सम्मान किया है और उनके मुताबिक काम करने का एक फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है और जैसे हमारे बीएमसी ऑफिसर है उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये काम करेंगे लेकिन बहुत से नगर सेवक और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बना रहे हैं ये लेकिन उनने जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उसने तो पूरा रोड ख़राब कर दिया था आप देख सकते हैं मंशूर शेख और आदिल अंसारी की ऑफिस ऑफिशियल वी, वीडियो पे फेसबुक पे उसके अंदर आप देख सकते हो कि कितने दरारे थे रोड पे और रोड कितना खस्ता हालत में था लेकिन इसके बाद में अभी कंप्लेंट करने के बाद में ये काम चालू हुआ एक दिन फिर बंद हो गया होली के वजह से इनशाला ये काम बहुत जल्दी खत्म होगा और ख़त्म 20 से 25 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा और एक अच्छा रोड करला पाइप रोड वाले लोग को मिलेगा रॉयल वाले लोग को मिलेगा जैसे करप्शन हुआ था पिछली टाइम इस टाइम इनशाला नहीं होगा तो संविधान बचाओ ट्रस्ट की अगर हम बात छोड़े अगर आम आदमी के हिसाब से हम बात करें तो आम आदमी एज अ आम आदमी आपको कितनी खुशी हो रही है कि ये रोड बन रहा है पाइपलाइन रोड जो बन रहा है देखो खुशी होती जब जब हमारे नगर सेवा काम करते थे ये हमको ही काम करना पड़ेगा तो खुशी का ही उनको हमने जीत के दिया है काम करने के लिए वो जब काम नहीं करेंगे तो यहाँ का जो आम पब्लिक है वो काम करेगा जो आम पब्लिक ने काम किया उनका नाम होना चाहिए दूसरे आदमी का नाम नहीं होना चाहिए जैसे आपने मना किया कि संविधा बचाओ मंच नहीं करता तो कौन करता आम आदमी करता तो आम आदमी ही है वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो भी है मंशूर शेख हो गया आदिल अंसारी हो गए पॉलिटिकल लीडर नहीं है ये एक आम आदमी है ये आम आदमी के लिए काम किए इन्होंने पॉलिटिकल लीडर लोग सिर्फ बैनर लगा देंगे फ़ोटो लगा देंगे उससे नहीं होता है एक काम करने का तरीका होना चाहिए जो काम आज आदिल अंसारी और मंसूर शेख ने किया है ये शायद पूरे करला के इतिहास में आज तक का किसने नहीं किया रहेगा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो बोर्ड जो है चिप, मतलब यहाँ पे दो बैनर लटकाए गए एक तो यहाँ के जनप्रतिनिधि की ओर से है जो कि हमें साफ साफ नजर आ रहा है और एक जो है आपके ओर से है जो कि मंसूर शेख और आदिल अंसारी तो क्या मैं जान सकती हूँ पोस्टर और, और क्यों छिड़ रखा है अभी इसमें ऐसा है मैडम के देखिए ये रोड जो पहले बनी थी उस वक्त पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने कोई बैनर नहीं लगाया जब रोड बनी थी और ये जहाँ तक मेरी जानकारी है ये रोड कोई कॉरपोरेटर के फंड से नहीं बना है ये सेंट्रल एजेंसी के फंड से बना है जहाँ तक मेरी जानकारी है अगर कोई करेक्शन है तो मुझे कोई सबूत दे दे तो मैं करेक्ट कर लूँगा अपने आप को दूसरी बात जब रोड बना तब किसी तरह का कोई बैनर नहीं लगाया गया यहाँ पर जो स्थानीय नगर सेवक है उनके द्वारा कोई बैनर नहीं लगाया गया जिस दिन ये रोड बन के उद्घाटन हुआ उसके बाद में संविधान बचाव मंच की टीम ने मंसूर शेख भाई ने और हम लोगों ने कम्प्लेंट किए एलवॉर्ड के अंदर कि भाई ये रोड जो है वो ठीक नहीं बना है उसके बाद में अब जब वापस ये रिपेयरिंग हो रही है तो ये बैनर लगाया गया ये बैनर भी हम लोगों ने प्लान किया था इनको कहीं से खबर मिल गई होगी कि भाई बैनर लगने वाला है तो उन्होंने अपना बैनर लगा दिया हमारे पास सारे सबूत है जैसे कि आपसे हम लोग शेयर कर सकते हैं हमने लेटर दिया एलवॉर्ड को इसके ऊपर हम लोगों ने फॉलोअप किए उसके बाद जाके ये बनाया तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो नगर सेवक अपना काम कर रहे हैं काम करते वक्त वो अपना क्रेडिट ले भले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें अगर उनका काम है तो ले लेकिन जब रोड बना तब क्रेडिट लिया नहीं तब बैनर लगाया नहीं रिपेयरिंग की कंप्लेंट के बाद रिपेयरिंग होने के बाद में बैनर लगा रहे हैं तो ये गलत बात है इसके अलावा एक और है मेरे फेसबुक पर चे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा रस्सी वाला कंपाउंड के इधर पे बहुत सारा कचरा और रैबिड था मैंने उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट किया था ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद एल वार्ड से ऑफिशियली मुझे रिप्लाई आया है कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर हमने जे सी भेज के ये काम करवाया उस समय भी नगर सेवक के लोग ने वहाँ पहुँच के वहाँ पर अपना बना के ये बताया कि हम लोगों ने काम करवाया तो अगर एल वार्ड से मुझे ऑफिशियली रिप्लाई आया है कि काम आपकी कंप्लेंट के ऊपर हुआ है तो नगर सेवक के लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी उसके लिए हमारे पास सारे प्रूफ और सब कुछ अवेलेबल है तो ये जो काम हुआ है पहले वाले इनके प्रयत्नों से हुआ होगा लेकिन अभी जो ये रिपेयरिंग हुई है वो हमारी कंप्लेंट के द्वारा हुई है जिसका हमारे पास सारे प्रूफ है तो ऐसा भी हो सकता है ना सर कुछ लोग होते हैं काम करते दिखावा नहीं करते तो वो हो सकता है ना कि उन्होंने पोस्टर जारी ना किया हो लेकिन काम उनके ही कहने पे हुआ हो हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ ना देखो मैं तो मंसूरिया नगर से वक्त तो नहीं है यहाँ के बराबर तो पहली बार जो बनाएगा उनके प्रयत्न से बना होगा मैं क्या मना कर रहा हूँ मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि हमारे प्रयत्न से बनाए हमने बनाया लेकिन जब बना उसमें खामियाँ थी प्रॉब्लम्स थे उसको हमने हाईलाइट किया उस वक्त नगर सेवक के लोग स्क्रीनशॉट डाले मंसूर भाई ने फेसबुक पे वो बोलते थे कि ये लोगों की गलती की वजह से ख़राब हुआ रोड उस वक्त नगर सेवक के लोग बोलते थे ये लोगों की गलती है लोगों ने गाड़ी चला दी अरे भाई लोगों ने गाड़ी चला दी अगर आपको लगता है कि रोड ठीक से बनानी है तो आप बंद करके रखो जैसे आपने अभी बंद करके रखा है उसको ठीक करो बाद में शुरू करो उसके अलावा लोग हमारे ऊपर उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि नहीं भाई आप लोग ज़बरदस्ती का इशू उठा रहे हो ये कोई इशू ही नहीं है अगर ये कोई इशू था नहीं इन्होंने पहले बनाया था तो अब रिपेयरिंग के वक्त में ये रिपेयरिंग जो ही है ये हमारी कंप्लेंट से हमारा ये बोलना है जो पहले बना होगा डेफिनेटली नगर सेवक के प्रयत्नों से बना है उनके पास फंड आते हैं उनके पास आप, पावर है वो बनाए होंगे लेकिन अभी जो हुआ है ये हमारी प्रयत्नों की वजह से हुआ है मंसूर भाई संविधान बचाओ मंच की टीम लगातार बीएमसी गई उसकी वजह से ये काम हुआ है तो मुझे आप आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आदिल सर तो आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी संविधान बचाओ ट्रस्ट ने काम किया उसका आपको जो है फल मिला है फल स्वरूप ये काम हो रहा है आम आदमी आप यहीं पे रहते हो आम आदमी के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये रोड की रिकवरी पे मीनस ये जो रोड का दुरुस्तीकरण हो रहा है उस पर आम आदमी के तौर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखिए हम सब आम आदमी है हम लोग कोई नेता वेता नहीं है और ना हम लोगों की औकात है कि हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता बोले नेता जो होते हैं हो, या तो नेता होते या तो नेता के बच्चे होते वो हो नेता बनते हैं या तो कोई बड़े बिजनेसमैन का नेता बनता है मंसूर भाई मेरी हिस्ट्री सब पाइप रोड पर जानते हैं मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ इनके भी माँ बाप ने स्ट्रगल किया है मैंने भी स्ट्रगल किया मैं नौकरी करता हूँ ये बिज़नेस करते तो हम लोग नेता नहीं हम आम आदमी ही है यहाँ के हम लोकल लड़के हैं आम आदमी के तौर पर मेरी ये प्रतिक्रिया है कि अगर आपको लगता है जितने भी लोग ये वीडियो देखे या जो अभी देख रहे हैं अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई काम ठीक से नहीं हुआ है आप उसकी कंप्लेंट करिए जद्दोजहद करिए क्योंकि आपके पास आज की तारीख़ में इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी है आरटीआई है आपके पास बहुत सारे वेपन्स है आपके पास बहुत सारे औजार है जिससे आप लड़ सकते हो और उस औजार से लड़ के आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो नेता कोई भी हो मैं इधर के स्थानिक नगर सेवक या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी नेता हो पूरे मुंबई का पूरे महाराष्ट्र का पूरे भारत का आप उसके खिलाफ मतलब उधर पे आप काम करवा सकते हो आप मेहनत करोगे तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया रस्सी वाला फ्लैट पे मैंने काम करवाया था उसका भी क्रेडिट इन्होंने लेने की कोशिश की हम लोगों ने पाइप रोड के ऊपर गड्ढे का कंप्लेंट करके काम करवाया था उसकी भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है क्रेडिट बेशक ले वो स्थानिक नगर सेवक क्रेडिट ले जितना उनको लेना है ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि जो काम हमारी कंप्लेंट से वो उसका क्रेडिट नहीं ले इनके फंड से होता है ये सेंट्रल एजेंसी कैसे करवाते कहीं से करो बेशक क्रेडिट ले नगर सेवक है उनके पास पावर है काम तो करवाएंगे ही वो उनका ज़िम्मेदारी है काम करा, लोगों ने वोट दे के उनको भेजा है तो उनको तो काम करवाना ही है, मोटी मोटी बातें कल अगर हम लोगों में से कोई कुछ बनता है तो हमको काम करवाना पड़ेगा लोग हमसे सवाल पूछेंगे हम लोग रेडी रहेंगे आंसर देने के लिए सीधी सीधी बात है इसमें कोई घुमा फिराने वाली बात ही नहीं है जी तो बिल्कुल सही बात है जैसे कि बताया अगर आपके चुने हुए नेता आपके जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करते आपके जो इलाके में जो काम होता है जो वो नहीं कर पाते तो आपके हाथ में आप वो जो है जिम्मेदारी उठाइए आप आम नागरिक जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया आम नागरिक है जिन्होंने ठान लिया कि हमें जो है ये रास्ते का दुरुस्तीकरण करवाना है जिसके लिए वो अलवार्ड तक गए उन्होंने आर फाइल की और उनके उसके बाद जो है ये रोड के मरम्मत का जो काम है वो शुरू हो गया तो लोकतंत्र की जो है हमेशा जीत होती है लोगों ने अपने हाथ में जो है कानून को ले कानून के दायरे में रहकर जो है काम काज जो है करवाना चाह और जिसका जो है फलस्वरूप उनको जो है ये रोड की जो मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो गया है वीडियो जर्नलिस्ट एफ एस पटेल के साथ मैं भवानी झा डी न्यूज़ मुंबई